शबीर साहब ने जैसे यहाँ तकरीर में बताया कि वो मुतासिर हो गया आपके यहाँ पार्टी के प्रोग्राम से, तो आज इसने यहाँ अपनी पार्टी में शमूलियत की और हमारे लिए फुट होल्ड बन गया इस वागुरा क्रीडी कॉन्स्टिट्यूंसी में। जाहिर सी बात है जो शबीर साहब है ये आरी पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा और अपनी पार्टी के प्रोग्राम इस एरिया में फैलाएगा, अपनी पार्टी की तर्जुमानी करेगा। हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हर खिता जो नज़रअंदाज हुआ है उसको नज़रअंदाज नहीं होने देंगे, किसी भी खिते को किसी चीज़ का पॉकेट नहीं देंगे, बल्कि जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उस चीज़ को प्रोवाइड। डेट रखा था ज्वाइनिंग के लिए, तो पहले तो ये डिसाइड हुआ था कि ये पार्टी हेडक्वार्टर पर किया जाए, लेकिन लोगों के ज़बरदस्त इसरार पर, जो भी हमारे यहाँ के इर्द गिर्द के लोग हैं उनके ज़बरदस्त इसरार पर हमने ये जलसा जो आज का था ये यहाँ पर मुनक़द कराया। और आज अल्ताफ़ साहब, मीर साहब, अपने मोहम्मद अशरफ मीर साहब और रफ़ी मीर साहब जो कि इस अपनी पार्टी के सीनियर वर्स हैं, तो आज उनकी मौजूदगी में यहाँ अपने लोगों की मौजूदगी में अपनी पार्टी के साथ वाबस्तगी की है। और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये जो वागुरा क्रीरी कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें फ़िलहाल मैं अपनी पार्टी की तरफ से कॉन्स्टिट्यूंसी हेड हूँ। मौरूसी सियासतदान भी नहीं हूँ और पेशावर सियासतदान भी नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। मैंने सिर्फ ये जो कदम उठाया है ये सिर्फ इसलिए उठाया है कि यहाँ अपने लोगों को अगर किसी जगह पर कोई तकलीफ हो, कोई दुख हो, कोई दर्द हो, कोई परेशानी हो, तो फिलहाल उस दुख दर्द उस परेशानी को दूर करने के लिए, उसका मदावा करने के लिए, उस उन जख्मों पर मरहम करने के लिए मैं इस पार्टी में आ गया हूं। और इस सियासी मैदान में मैं इसी वजह से कूद पड़ा हूं कि ताकि मेरे लोग जो हैं, जो इस वक्त गुनागुन तरह तरह के परेशानियों में मुबतला हैं, उनकी परेशानियों का अगर किसी जगह मुझे मौका मिला अजाला करने का, सिर्फ खदमत खलक जो मैं बचपन से करता आया हूं और इंशाल्लाह आगे भी मुझे इसी जज्बे के तहत में लोगों की खदमत की जाए। तो आज लोग मेरे पास आए हैं कि आप आ जाओ, कल उस जिस वक्त मैं जीत जाऊंगा तब मैं लोगों के पास जाऊंगा कि आप आ जाओ, आप लोगों ने मुझे अपना नुमाइंदा चुना है, अब मुझे बताओ आपके क्या दुख दर्द है, इंशाल्लाह हम इसको चेंज करना चाहते हैं।